ये वीडियो है रियलमी 7 के जी कैम पोर्ट के बारे में। तो जो सेम पोर्ट था 6 एंड 6 आई के लिए वही काम कर रहा है रियलमी 7 में भी। और मैंने कुछ जो है सैम्पल्स कलेक्ट करे हैं, इस वीडियो में आपको जो है स्टॉक कैमरा से कंपेयर करके बताऊंगा। जो प्रॉब्लम थी 6 एंड 6 आई में, जैसे कि स्लो मोशन टाइम लैप्स काम नहीं करता था, थोड़ा सा जो व्यू फाइंडर लैग करता है वो दिक्कत है, इसमें भी देखने के लिए मिलेगी आपको। लेकिन ये काम करता है और लगभग अच्छी तरह से काम कर रहा है, नाइट साइड भी बढ़िया काम कर रहा है इस फ़ोन में, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। और अगर मैं स्टॉक कैमरा की बात करूँ तो 6 एंड 6 आई से डेफिनेटली बहुत बड़ा अपग्रेड है यहाँ पर, क्योंकि जो कैमरा सेंसर चेंज कर दिया है, थोड़ा सा एल्गोरिदम भी चेंज किया है उन्होंने। वाइट बैलेंस की जो दिक्कत देखने के लिए मिलती थी वो देखने के लिए नहीं मिल रही है, व्यू फाइंडर में जो पिक्सल हिट होता था वो भी नहीं देखने के लिए मिल रही है। इवन अभी जो सैम्पल्स मैंने देखे हैं यहाँ पर, जो डार्कर रीजियंस है, जो शैडो रीजन में जो डिटेलिंग देखने के लिए मिल रही है ना इस फ़ोन के साथ, वो बढ़िया देखने के लिए मिल रही है। कल के वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा बेयर कर लीजिए मेरे साथ। कल का वीडियो में मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चला गया। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके फेवरेट सुपर स्टार को लेके आपके जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, उसे मैं पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ। सलमान भाई करोड़ों लोगों उनको फॉलो करते हैं, उनके करोड़ों फैंस हैं और मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ पूरी तरह से। बट मैं बोलना ये चाहता था कि आप कोई जो है फ़ोन खरीद रहे हो, चड्डी बनियान नहीं खरीद रहे हो या दिवाली के पटाखे नहीं खरीद रहे हो कि आपको उसमें सलमान भाई की फ़ोटो चाहिए होगी। सलमान भाई बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडोर्स करते हैं, बट अगर वो रियलमी का फ़ोन इंडोर्स कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वो रियलमी के फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं पर्सनली? नहीं करते ना, वो आईफोन यूज़ करते होंगे, डेफिनेटली आईफोन यूज़ करते हैं। बट क्या आपको अपने फ़ोन के बॉक्स में उनकी फ़ोटो चाहिए? और अगर आप इसके बारे में जो है नहीं बताएंगे या नहीं बोलेंगे या उसका प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ब्रांड जो है वो फ़ोटो डालती रहेगी आपके फ़ोन के बॉक्स में। फ़ोन एक पर्सनल चीज़ होता है, उसमें सलमान भाई की फ़ोटो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सलमान खान भाई जो है ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, उससे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बट उनकी फ़ोटो मुझे नहीं लगता किसी को चाहिए होगी। बस मैं इतना ही बताना चाहता था। बाकी आप वीडियो पूरा देख लो, और APK का लिंक मैंने डाला हुआ है, वहाँ से जाके इंस्टॉल करना है। ज़्यादा कुछ सेटिंग्स में छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो आखिर में बताएंगे। पहले आप जो है कैमरा कंपैरिजन देख लीजिए कि कितना आपको जो है अपग्रेड देखने के लिए मिलता है स्टॉक कैमरा से। वैसे नाइट साइड में मुझे डेफिनेटली अपग्रेड देखने के लिए मिला। फ्रंट कैमरा जो है डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इमेजेस क्लिक कर रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी ठीक ठाक क्लिक कर लेती है, सॉफ्टवेयर अपडेट से ये ठीक हो जाएगा। बट डेफिनेटली जो फ्रंट कैमरा है जी कैम का वो बेटर काम करता है, लेकिन वो भी कभी कभी स्टॉप हो जा रहा है, फोर स्टॉप हो जा रहा है फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करते हुए, बट क्लिक हो रही है फ़ोटोज़। तो जाके वीडियो देखो, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सारे फोटोज़ HDR मोड में लिए गए हैं। अगर जी कैम की बात करो तो वहाँ पर HDR प्लस का इस्तेमाल किया गया है, इनहांस्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड मुझे दोनों का बढ़िया लगा। एज डिटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जी कैम ये वाली जो सैम्पल है ना, मैंने दो तीन बार और भी क्लिक करी थी, हर बार जो है चश्मे में ये ब्लर को एडजस्ट नहीं कर पाया। वहीं पर जो स्टॉक कैमरा है उसने बेटर जो है काम किया एज डिटेक्शन में। स्किन टोन वगैरह मुझे दोनों के अच्छे लगे, कलर साइंस देखेंगे सिमिलर देखने के लिए मिल रहा है कलर साइंस, थोड़ा सा ब्लैक ज़्यादा है जी कैम में। नाइट साइड की बात करते हैं, नाइट साइड काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, काम कर रहा है। और जो नॉइज़ रिडक्शन है ना, तो नॉइज़ लेवल ज़्यादा है स्टॉक कैमरा में मैं बोलूँगा। वहीं पर इसकी इमेज थोड़ी सी सॉफ्ट है बट नॉइज़ कम देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक कैमरा में देखोगे जो डार्कर रीजन्स है वो उतना ज़्यादा उभर के नहीं आ रहा है, लेकिन अगर जी कैम में देखेंगे तो वो जो विजिबल है और जो नॉइज़ है उस एरिया में वो नॉइज़ बहुत कम रखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट है जी कैम का इमेज, वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली बेटर है स्टॉक कैमरा से। डे टाइम इमेजेस की बात करते हैं, मुझे पर्टिकुलर इस वाले सैम्पल में जी कैम बेटर लगा, थोड़ा सा ड्रामाटिक है और अच्छी लग रही है वो सैम्पल जी कैम वाली। इस वाले इमेज में भी देखेंगे जो येलो कलर है वो ब्लीड कर रहा है स्टॉक कैमरा में, और पेटल्स में डिटेल्स नहीं है। जूम इन करने के बाद भी आपको सेम चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि जी कैम में डिटेलिंग ज़्यादा है और कलर को अच्छा कंट्रोल किया है, वहाँ पर येलो कलर ब्लीड नहीं हो रही है जैसे कि स्टॉक कैमरा में हो रही है। रेड कलर की बात आती है तो जो है आपको बहुत कुछ पता चलता है, डेफिनेटली ओवर सैचुरेटेड है स्टॉक कैमरा, जी कैम बेटर काम कर रहा है। नेक्स्ट इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर ही बात बोलना चाहूँगा, डिटेलिंग भी अगर देखेंगे और जो कलर साइंस है वो जी कैम ने थोड़ा सा जो है अच्छा मेंटेन किया। पर्टिकुलर इस वाले इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक कैमरा जो है उसने क्लोज टू नेचुरल क्लिक किया है और थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड यहाँ पर जी कैम दिख रहा है।
नेक्स्ट वाले इमेज की बात करते हैं, डे टाइम पे ही लिया गया है और आप पेटल्स में अगर डिटेलिंग देखेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट है स्टॉक कैमरा, वहीं पर अच्छी डिटेलिंग आपको देखने के लिए मिल रही है जी कैम में। चलिए नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं, यहाँ पर फ्रंट कैमरा में बार बार बोल रहा था कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इमेजेस क्लिक हो रही है फ्रंट कैमरा से, जी कैम बेटर है। शर्ट की कलर भी अगर देखोगे तो अच्छे देखने के लिए मिल रहा है, जो ब्लैक्स है वो डीप ब्लैक्स आपको जी कैम में अच्छे मिल रहा है। कितना ज़्यादा सॉफ्ट है जूम इन करने पर आप देखोगे, बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं देखने के लिए मिल रही है। ऑन द अदर साइड कभी कभी जो है डिटेलिंग देखने के लिए मिल भी रही है, तो दिक्कत है ऑब्वियसली, सॉफ्टवेयर का दिक्कत है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा ये जो इशू है। आप देखोगे यहाँ पर पहला वाला इमेज में डिटेलिंग था फेस में, नेक्स्ट इमेज में नहीं था, तो ये दिक्कत फिक्स कर देगी रियलमी। अल्ट्रा वाइड की अगर बात करें तो नॉर्मल है, इतना ज़्यादा बोलने लायक कुछ नहीं है अल्ट्रा वाइड में। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड शूटर देखने के लिए मिलता है, तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बोलने लायक उसमें है नहीं। और जो एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा था कि इस बार 682 का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे अब जो है थोड़ा एक्सपोजर लेवल चेंज हो गया है, जो शैडो रीजन है वहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग देखने के लिए मिल रही है, इवन जी कैम से भी अच्छा जो है यहाँ पर शैडो रीजन एक्सपोज है, बट वहीं पर HDR परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है। अगर आप स्काई की ओर देखेंगे तो HDR परफॉर्मेंस जी कैम का बेटर दिख रहा है, तो ये एक चीज़ अगर सॉफ्टवेयर से वो ठीक कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो बढ़िया देखने के लिए मिलेगी, बट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। वाइड बैलेंस में जो दिक्कत थी 6 और 6i में वो इंप्रूव हो चुकी है। 6 और 6i का नाइट मोड बहुत घटिया था, यहाँ पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है 6 और 6i से, बट नाइट साइड जैसा नहीं है, जी कैम बेटर परफॉर्म करता है। तो डेफिनेटली जी कैम का यूज़ आप ज़रूर कीजिए रियलमी 7 के लिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ये सेम पोर्ट है जो कि 6 और 6i में भी मैं रिकमेंड कर रहा था, ये नया पोर्ट है जो मुझे एंड्रॉयड भाई से और हर्षित टेक्निकल भाई से जो है पता चला, और मैं आपको बिल्ड नंबर बता देता हूँ, ये जो है A27, ये आउट ऑफ द बॉक्स यही देखने के लिए मिल रहा था, यहाँ पर जुलाई का सिक्योरिटी पैच है उसके ऊपर ये काम कर रहा है। शायद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में अगर कोई दिक्कत आती है इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। इन्फो देखोगे आप, ये ब्यूरियल पोर्ट है और ये जो है रेडमी नोट 8 प्रो में ये अच्छी तरह से काम करती थी, वहीं से जो है यहाँ पर 6 और 6i में भी ट्राई किया गया एंड देन अब ये 7 में भी काम कर रही है। तो कुछ सेटिंग्स आप देख लीजिए, पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ HDR प्लस में लिया गया है, HDR एनहांस भी ट्राई आउट कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मोशन आप देखेंगे यहाँ पर मोशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, उसे बंद कर लेना बहुत दिक्कत आएगी, थोड़ा सा जो लैग करता है फ्रेम लैग तो है इसमें। और ऑटो वाइड बैलेंस को बंद करके रखी है और बंद करके ही सारे सैंपल्स ले गए, वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो ऑन करके। बाकी यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं की है, ये सारा कुछ ऑन था। सेफ सेल्फी एज प्रीव्यूड इसे ऑन कर लेना ताकि मिररिंग ना हो। एडवांस में यहाँ पर जाने के बाद HDR प्लस का कंट्रोल जो है ना इसे आप जो है ऑन कर लेना, तो ये पार्ट आपको चेंज करनी है, बाकी यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं की है मैंने। और अगर 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो देख लेना, वैसे यहाँ पर जो है स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स नहीं चलती है। कॉन्फिग फाइल यहाँ पर अलग से कुछ मैंने सेव नहीं किया हुआ है, तो ये दो तीन चेंज आपको करना पड़ता है, बाकी यू आर गुड टू गो। तो इतना ही था इस वीडियो में, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। लाइक कर देना, तब तक देखते रहिए।